नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घने कोहरे के कारण नवगछिया में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच हुई भीषण टक्कर, 8 लोगों की हालत गंभीर। समारोह पूर्वक मनाई गई मौलाना मजहरुल हक की 156वीं जयंती। स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को किया गया याद। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकाला गया समर्थन मार्च, 24 दिसंबर को होगी जनसभा। बिहार बंद के दौरान वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में राजद नेताओं पर गिरी गाज, जिलाध्यक्ष समेत 2 निष्कासित। और एनआरसी और सीएए के विरोध में सोमवार को भागलपुर में होगी विशाल जनसभा। सज्जादा नशी ने की शांति बनाए रखने की अपील। अब समाचार विस्तार से। रविवार की सुबह घने कोहरे के कारण नवगछिया एनएच 31 रंगराज चौक के समीप स्कॉर्पियो एवं ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में स्कॉर्पियो पर सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोग एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एनएच 31 रंगराज चौक के समीप नवगछिया से कटिहार जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें स्कॉर्पियो के परकच्छे उड़ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगराज पुलिस ने स्कॉर्पियो और ट्रक को जब्त कर लिया, जबकि ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में रविवार को स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक की 156वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन नागरिक सेवा समिति की ओर से किया गया था। वहीं मौलाना मजहरुल हक की जयंती पर वक्ताओं ने देश की आज़ादी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्त ने की। इस दौरान बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने मौलाना मजहरुल हक को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बतलाया और ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाने की बात कही। नागरिक सेवा समिति के संयोजक रिजवान खान ने कहा कि 22 दिसंबर 1866 को बिहार के पटना में मजहरुल हक का जन्म हुआ था। वहीं डॉक्टर शाहिद राजा जमाल ने मौलाना मजहरुल हक के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला और बिहार समेत देश भर में उनके द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी दी। समारोह में समाजसेवी अनुल होदा, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान, मिंटू कलाकार, वसुदेव भाई समेत कई लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मौलाना मजहरुल हक द्वारा चलाए गए सामाजिक एकता और तहरीक ए आज़ादी पर अपने विचार रखे। मौके पर मोहम्मद फारूक, निसार आलम, महबूबा आलम, विक्रम, जावेद, जुम्मन अंसारी, मोहम्मद दाऊद, दयाराम आदि उपस्थित थे। हम लोग मौलाना मजहरुल हक साहब की 156वीं जयंती मना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मौलाना मजहरुल हक साहब अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी की लगा के तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज ही भूल गए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मुसड़ी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि मौलाना मजहरुल हक साहब के जाने से हिंदू मुस्लिम की जो एकता की जो सुड़ी थी वो टूट गई। और मौलाना मजहरुल हक भी कहते थे हम मुसलमान हिंदू एक नाव पर सवार हैं, डूबेंगे तो साथ साथ पार करेंगे साथ साथ, क्योंकि हम लोग भारतीय जो संबंधा है, एकता है, भाईचारा है, उसको बनाए रखने के लिए मौलाना मजहरुल हक की जिंदगी को रोशनी डाल रहे हैं ताकि अमन भाईचारा शांति हम लोग कैसे बनाए रखें। आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य आज के माहौल को देखते हुए शांति, सद्भावना, प्यार और प्रेम का है। आज हम जिस शख्सियत की जयंती मना रहे हैं मौलाना मजहरुल हक, लोगों को बिहार की धरती मलेर की धरती से जन्म लेके पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी के अंदर बैनर तले शांति और सद्भावना का संदेश दिया, आज़ादी में कूदे, जेल गए, लेकिन एक कल्चर, एक संविधान को सपोर्ट किया और उन्हीं की जयंती जो इसको लोग लगभग मनाते जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भारत बचाओ समिति की ओर से 24 दिसंबर को भागलपुर के घंटाघर चौक से समर्थन रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर रविवार को भारत बचाओ समिति के सदस्यों ने शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर रैली में अपना समर्थन देने की अपील आम लोगों से की है। आरएसएस के पवन गुप्ता ने बताया कि नए कानून से धर्म के आधार पर भारत विभाजन का दंश झेल रहे लाखों परिवार को नया जीवन मिलेगा। इस मौके पर भाजपा नेता संतोष कुमार, विजय शाह, झूलन पांडे सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन
सब लोग पीड़ित और दुखित हैं, ऐसे सब लोगों को भारत में नागरिकता देने का उन्होंने जो प्रावधान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके समर्थन में 24 तारीख को, 24 दिसंबर को दिन के 11 बजे घंटा घर से विशाल रैली निकालेंगे, ताकि मोदी जी और अमित शाह जी को लगे कि सारा देश हमारे साथ है। वहीं अमरपुर में भाजपा नेता मृणाल शेखर के नेतृत्व में एनआरसी और सीएए के समर्थन में समर्थन मार्च निकाला गया। इस दौरान मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने नए कानून को लेकर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मृणाल शेखर ने कहा कि बंदी के नाम पर विपक्षी पार्टी के लोग गरीब एवं व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं। आज अमरपुर विधानसभा की धरती से हम सभी ऐसे लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं जो बंदी के नाम पर, जो इस जो नागरिकता संशोधन बिल आया है उसके नाम पर आम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बेगुनाहों को पीट रहे हैं, एम्बुलेंस को रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमरपुर की सारी दुकानें खुली है, एक एक व्यक्ति ने दुकान खोलकर इस बिल का समर्थन किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, और इस कानून के पक्ष में अमरपुर विधानसभा के लोग खड़े हैं। एनआरसी और सीएए को लेकर शनिवार को बिहार बंद के दौरान तोड़फोड़ करने और उपद्रव मचाने के मामले में राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद राय ने वर्तमान राजद जिलाध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव, युवा राजद अध्यक्ष मेराज अख्तर चांद और पार्टी के सज्जाद उर्फ बिल्ला को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। बंद के दौरान पार्टी नेतृत्व के निर्देश की अवहेलना के आरोप में तीनों को हटा दिया गया है। दरअसल शनिवार को बंद के दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजद जिलाध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव, मेराज अख्तर चांद और सज्जादा ने लोहिया पुल पर उपद्रव मचाते हुए कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले थे, साथ ही कई जगहों पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था। एनआरसी और सीएए के विरोध में संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से सोमवार को भागलपुर के ऐतिहासिक सहजंगी मेला मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा को लेकर रविवार को सहजंगी मैदान में सुबह से ही तैयारी चल रही है। समिति के मोहम्मद मेराज बबलू ने बताया कि जनसभा में हजारों की संख्या में सभी समुदाय के लोग शिरकत करेंगे और नागरिकता संशोधन कानून पर अपने विचार रखेंगे। वहीं सोमवार को होने वाली जनसभा और जुलूस का खानकाह शहबाजिया के सज्जादा नशीं सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने समर्थन किया है। साथ ही सज्जादा नशीं ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सैयद इंतखाब आलम ने कहा कि एनआरसी और सीएए का विरोध कानून तोड़कर नहीं बल्कि संविधानिक तरीके से होना चाहिए। इधर विशाल जनसभा को लेकर समिति के मोहम्मद हैलाल सोहेल ने प्रशासनिक अनुमति लेने की बात कही। वहीं जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि एनआरसी और सीएए पर होने वाली जनसभा के बाद सभी संगठन के चयनित प्रतिनिधि जिलाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे शहर, पूरे भागलपुर और आसपास के लोगों को बुलाया गया है और ये एनआरसी और सीएए के विरोध में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें सारे समुदाय के लोग शरीक हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ गांव और मुख्तलिफ मोहल्ला से आएंगे और जलसे का एक वो बन जाएगा और ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ से सारे लोग अपने घरों को वापस जाएंगे और मुख्तलिफ तंजीमों के जो लोग हैं वो मिल करके डीएम ऑफिस जाएंगे और वहाँ मेमोरेंडम पेश करेंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, सारे समुदाय के लोग हैं, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है और ये जो एनआरसी आने वाली है ये दोनों मुल्क के बुनियादी दस्तूर के ख़िलाफ़ है। जिला प्रशासन की तरफ से हमें अनुमति मिल गई है और यहाँ पे 6 मजिस्ट्रेट यानी बहाल किए हैं और ये प्रोग्राम हमारे जितने भी गांव हैं, मोहल्ले हैं, सब लोग से अपना मौन जुलूस लेके आएंगे और वो उनके हाथ में जो तख्ती बैनर होंगे उसमें लिखा होगा हमारी जवानी हमारी तख्ती है। सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आएंगे और सब लोग गांव से, मोहल्ले से, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा एकत्रित होकर करके यहाँ पे जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं है, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चन, ईसाई, सब लोग अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद ये हम लोग एक डेलीगेट बनाएंगे जो डीएम साहब को वो देंगे राष्ट्रपति के नाम, हमारा डेलीगेट जाकर के वहां पे उनको ज्ञापन देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विद जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जी छो बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर पुत्र ने अपने घर में आग लगा दिया। घटना में घर में रखा सारा सामान और नगद जलकर राख हो गया। घटना को लेकर पीड़ित कोकन तांती ने बताया कि रविवार की सुबह पुत्र बिहारी तांती से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने गाली गलौज करते हुए मां की पिटाई कर दी। वहीं जब घर के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने घर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को देखकर बिहारी तांती फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर में रविवार को फेयर फ्रेंड सोसाइटी की ओर से द बिग ड्रॉ कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष राजीव गर्ग ने बताया कि शहर के बच्चों के लिए संस्था की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों के द्वारा काफी बेहतर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अमित मोदी, रजत शर्मा, पंकज कनोडिया, अभिषेक मोदी, ट्विंकल अग्रवाल, सूची अग्रवाल सहित संस्था के कई लोग मौजूद थे। आज ये फेयर फ्रेंड सोसाइटी हम लोग की तरफ से द बिग ड्रॉ कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है। ये कॉन्सेप्ट ग्रीन एंड क्लीन सिटी भागलपुर पे रखा गया है। इसमें क्या है, बच्चों को पहले से कॉन्सेप्ट में ड्रॉइंग दिया गया था ग्रीन एंड क्लीन सिटी पे ड्रॉ करने के लिए। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनका ये फाइनल ड्रॉ कॉन्टेस्ट है। इसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे उन्हें स्कूल की तरफ से और प्लस हमारी संस्था की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, मोमेंटोस दिया जाएगा। ये ड्रॉ कॉन्टेस्ट है ग्रीन एंड क्लीन सिटी भागलपुर। भीषण ठंड को देखते हुए रोटरी विक्रमशिला पिंक की ओर से कंबल वितरण एवं अलाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लब के सदस्यों ने बूढ़ानाथ मंदिर एवं खलीफाबाग चौक के समीप ठंड से ठिठुर रहे लोगों के बीच अलाव जलवाया, साथ ही कई जरूरतमंद को ठंड से बचने के लिए कंबल प्रदान किया। मौके पर अध्यक्ष किरण गोस्वामी, चंदना चौधरी, मोनिका महेश का, प्रीति पांडे, बबीता शाह, अंजना प्रकाश, मनीष दास सहित कई सदस्य मौजूद थे। कहलगांव के सन्हौलावारी आदर्श उच्च विद्यालय परिसर में रविवार को सामाजिक संस्था आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस दौरान 500 गरीब बच्चों को संस्था के द्वारा स्वेटर प्रदान किया गया। वहीं सनौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों की भरपूर सराहना की। मौके पर नूर हसन, मोहम्मद सादाब हैदर, शाहिद हसन, मोहम्मद अकबर, रुपेश राहुल, मोनू सिन्हा सहित काफी संख्या में ग्रामीण एवं संस्था के सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के माड़वाड़ी पाठशाला परिसर में सोमवार से मानस सत्संग सद्भावना समिति के बैनर तले 31वां विराट मानस सद्भावना महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर रविवार को समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मृत्युंजय सिंह ने कहा कि आपसी सद्भाव को बरकरार रखने के लिए समिति द्वारा 1989 से मानस सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कथावाचक प्रवचन करेंगे। मौके पर महेश राय, रोशन सिंह सहित कई सदस्य मौजूद थे। वर्ष 89 में जो दंगा हुआ था,
उसी समय इस मंच की स्थापना हुई थी। उस दंगे के बाद जब शहर में कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था डर से, इतने लोग डर गए थे, तो हम लोगों ने इस मंच को बनाया और इस मंच पर हमने सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाया और सबने मिलकर ये कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और ये फोटो जब नेक्स्ट डे पेपर में छपा तो जितने भी डरे दुखे लोग थे शहर के अंदर में, सभी बाहर निकले। जो खामोश शहर था वो एक बार फिर से पब्लिक से भर गया। इसको हम लोग अपनी सफलता को मानते हैं और उस सफलता को, यही सफलता बनी रहे जिंदगी भर इस भागलपुर शहर की, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। नवगछिया के गोपाल गौशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के अंतिम दिन बालक स्वामी केशवाचार्य जी महाराज ने कहा कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि माँ बाप को रोटी खिलाओ, मरने के बाद पितृपक्ष में रोटी खिलाने से कोई फायदा नहीं है। इस दौरान काफी संख्या में कथा श्रवण करने दूर दराज से लोग पहुंचे। आयोजन को सफल बनाने में संयोजक स्वामी आगमानंद जी महाराज, सुभाष वर्मा, अशोक केडिया, राम प्रकाश रुंगटा सहित कई लोगों ने सराहनीय भूमिका निभाई। और अंत में फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घने कोहरे के कारण नवगछिया में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच हुई भीषण टक्कर, 8 लोगों की हालत गंभीर। समारोह पूर्वक मनाई गई मौलाना मजरुल हक की 156वीं जयंती। स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को किया गया याद। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकाला गया समर्थन मार्च, 24 दिसंबर को होगी जनसभा। बिहार बंद के दौरान वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में राजद नेताओं पर गिरी गाज, जिलाध्यक्ष समेत 2 निष्कासित। और NRC और CAA के विरोध में सोमवार को भागलपुर में होगी विशाल जनसभा, सज्जादा नशी ने की शांति बनाए रखने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।